और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भिंड में सीमांकन के दौरान दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष ने राजस्व विभाग के पटवारी राजकुमार तोमर सहित ग्रामीणों के साथ मारपीट की, जिसमें पटवारी सहित आवेदक घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष और प्रशासन की टीम ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। वहीं मामला लहार थाना क्षेत्र के केशवगढ़ गांव का है, जहां मुकेश सिंह के खेत का सीमांकन करने आरआई पटवारी सहित राजस्व की टीम पहुंची थी। वहीं पटवारी ने विरोधी पक्ष को समझाइश भी दी कि अभी केवल सर्वे नंबर की नपाई हो रही है, सीमांकन के बाद अगर आपको विरोध हो तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन विरोधी पक्ष नहीं माना और मारपीट की। तो आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और ये विवाद इतना बड़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये उसी पूरे घटनाक्रम की है जब दो पक्षों के बीच विवाद छिड़ा और विवाद इतना बड़ा कि बात हाथापाई तक पहुंची है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे भी बरसाए। हल्का पटवारी सहित आवेदक भी इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। जब मौके पर पहुंचे और सीमांकन करना जैसे ही प्रारंभ किया, और सीमांकन करने का धीरे धीरे जब वहाँ पे पहुँचे, इनके जहाँ पर खेत था तो उसके खेत से जब सीमांकन प्रारंभ किया तो कुछ औरतें और मेड़िया कृषक यानी भागीरथ फूल सिंह और सुखराम और उनके घर में जो महिलाएं थीं पूनम और गुड्डी, तो इन लोगों ने आगे वाद विवाद प्रारंभ कर दिया। वाद विवाद के बाद हमने उनको ये समझाने का प्रयास किया कि अभी तो जरीबे डल रही हैं, अभी कोई सीमांकन नहीं हुआ है, जब सीमांकन फाइनल हो जाए तब आप आपत्ति दे सकते हो उसकी। तो उन्होंने कोई बात ना सुनते हुए डंडे और ईंट वीट से फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें चोटें गंभीर आई हैं। हम पटवारी हैं, उस हल्का पटवारी, हमारे सर में पीछे से चोट लगी है, और एक और थे छोटे सिंह राजावत, वो भी थे मौका पर मौजूद, उनके हाथ में चोट लगी है और जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है।